पहली क्लास कौन सी हुई थी अपनी? ESBI. ESBI. E का मतलब क्या होता है? B का मतलब? Businessman. I का मतलब? Investor. S का मतलब? Self-employed. क्या बनना है? Businessman or investor. क्या नहीं बनना है? Employee or self-employed. कब बनना पड़े तो बन जाओ? जब आपको स्टेप के लिए यूज़ कर सकते। शुरुआती दौर में सीखने के लिए या शुरुआती के पैर जमाने के लिए, तब आप नौकरी भी कर सकते हो, थोड़ा मोटा अपना काम भी कर सकते हो, पर फाइनली जो गोल होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का ही होना चाहिए। ठीक है, हमने सेकंड क्लास कौन सी ली थी? रिएक्टिव प्रोएक्टिव। थर्ड क्लास? BCAD. BCAD तो क्लियर है ना? हाँ। अच्छा, BCAD में एक चीज़ और बता दूँ, हमने और भी एक चीज़ पढ़ी थी BCAD में ही, CE और BCE। तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो जब इसको, जैसे मान लो जैन धर्म के अंदर महावीर जी का जन्म कब हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे? BCE यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्राइस्ट को नहीं मानते ना, उनका मानना है कि हमारे भगवान है, तो इसलिए, या बुद्ध, जो बुद्ध को मानते हैं, तो वो बुद्ध के जन्म काल को जो दिखाएंगे तो वो BC नहीं बोलेंगे, BCE बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एक आज कौन से नंबर की क्लास है? 15th. और आज 15th क्लास है हमारी। हमने एक क्लास ली थी हिस्ट्री की, क्योंकि आज भी मैं तुम्हें एक हिस्ट्री की ही स्टोरी सुनाऊंगा, और वो मतलब आज भी मैं तुम्हें हिस्ट्री की ही एक स्टोरी सुनाऊंगा जो तुम्हारे काम भी आएगी। पर हमने हिस्ट्री में, हिस्ट्री के फायदे क्या है? अच्छा, अलग जगह के फायदे बताए हैं, फायदे पूछे, क्या फायदा बताए? अच्छा, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग माहौल के बारे में, कि किस समय में क्या हुआ, वो सब हमें मालूम पड़ेगा। नुकसान क्या है हिस्ट्री के? नुकसान ये है कि कोई भी पॉलिटिक्स या कोई भी अपने यूज के लिए अपना यूज कर सकते हो, और फिर आपको उनकी पॉजिटिव ही बताएंगे, नेगेटिव। हाँ, स्कूल में जाएंगे तो ज़्यादातर वो हिस्ट्री वन साइडेड ही बताते हैं, चाहे नेगेटिव बताएं या पॉजिटिव बताएं, तो मोस्टली पॉजिटिव बताते हैं, दूसरा पहलू नहीं बताते हैं। और जो मेन, जो सबसे बड़ा नुकसान है हिस्ट्री का, वो ये है कि हिस्ट्री में जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से अपने ही रोल मॉडल को हीरो बना के पेश कर देती हैं, या धर्म गुरु जो है वो धर्म में चेंजेस करके हिस्ट्री में अपने धर्म को और महान, या उसमें कहानियां गढ़ के उसको वो कर देते हैं। और ये हर देश के लोग या हर धर्म के लोग करते हैं। ठीक है, अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, आज भी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में जब भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग, एक ही आदमी की हिस्ट्री होती है, एक ही टाइम की अलग अलग हिस्ट्री, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कभी। मैंने तुम्हें एक मेमोरी टेक्निक की क्लास में एक फार्मूला तुम्हें कई साल पहले बताया था, दिल्ली में एक फार्मूला था स्पा, क्या था वो? एस पी ए एरिस्टोटल अरस्तु, और दूसरा ए एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर को द ग्रेट भी बोला जाता, द ग्रेट एलेक्जेंडर या एलेक्जेंडर द ग्रेट। आज हम बात करेंगे एलेक्जेंडर की। एलेक्जेंडर को हिंदी में इंडियन लोग क्या बोलते हैं? सिकंदर, सिकंदर महान। ठीक है, तो आज हम एलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, मतलब डिटेल तो तुम उसकी रिसर्च करोगे और उसको नोट डाउन करोगे। तो सबसे, आज से लगभग 2500 साल पहले एक दार्शनिक हुए थे, एक फिलोसोफर हुए थे सबसे पहले, उनका नाम था सुकरात, सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात को जहर पीना पड़ गया था, वो जब हम सुकरात की बात करेंगे तो मैं डिटेल बताऊंगा। सुकरात के स्टूडेंट थे, सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे प्लेटो। प्लेटो, सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, तो प्लेटो ने ही 26 किताबें लिखी हैं अपने गुरु के ऊपर, और अपने विचार भी उसमें ऐड किए हैं। ठीक है, उसमें द रिपब्लिक बुक सबसे मशहूर है। और प्लेटो के जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट था वो था अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु का एक स्टूडेंट होता था, उसका नाम था एलेक्जेंडर, सिकंदर महान। तो आज हम बात कर रहे हैं सिकंदर की, स्पा के लास्ट वाले ए की, SPAA, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर का जो जन्म था वो 357 BC। मैंने क्या बोला अभी?
356, 357 कहीं पे और एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, हिस्ट्री में कॉन्ट्राडिक्ट है। मैंने कहीं पढ़ा तो वहाँ 357 था, तूने कहीं पढ़ा तो वहाँ 356 था। अब इसको अगर हम 356 करें या 256 करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने फ़र्क पड़ेगा अगर हमने उसके बारे में गलत जान लिया, ठीक है। हम 356 लेते हैं, तूने 356 पढ़ा, 356 BC मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले, या अगर क्राइस्ट को नहीं भी माने तो कॉमन एरा से 356 356 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ राजघराने के अंदर, उसका नाम था अलेक्जेंडर। इसमें मैं कई करेक्टर्स के हो सकता है, मेरे को नाम ना याद रहे, वो तुम डिटेल में मेरे को बताओगे। तो इसके फादर का नाम मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इसके फादर की जो चौथी रानी थी, चार शादियां कर दी, जो चौथी रानी थी उससे जो बच्चा पैदा हुआ अलेक्जेंडर, ठीक है। और वो रानी के बारे में कहा जाता है कि वो जो रानी थी वो थोड़ी जादूगरनी टाइप थी, थोड़ा सा उसको भगवान भगवान और ये सब चीज़ों में बड़ा विश्वास था। तो उस ज़माने में जब सिकंदर पैदा हुआ, कहते वो एक बिजली गिरी थी उसके पेट पे, तो उससे फिर सिकंदर पैदा हुआ। तो ऐसा एक मानने लग गए लोग कि भी ये इसका भगवान से कॉन्टैक्ट है, तो ये जो बच्चा पैदा हुआ ये बड़ा महान बच्चा पैदा होगा। ज्योतिषों ने भी उस समय के, जो भी ज्योतिष तो नहीं वहाँ पे, वहाँ जो और कोई ऐसे होते होंगे, उन्होंने ये बोला कि भी ये तो राजा को बोला कि भी ये तो बड़ा एक महान बच्चा पैदा होगा, ये कुछ करेगा। ऐसा बाद में कामयाब होने के बाद कहानियाँ ऐड हुई या पहले हुई हमें नहीं मालूम, हो सकता है वो बहुत कामयाब हो गया इसलिए बाद में कहानियाँ ऐड कर दी, ठीक है। तो ये पैदा हुआ, चौथी रानी से पैदा हुआ, ठीक है। तो वो जो रानी की बाकी रानियों से नहीं बनती थी क्योंकि उनको ईर्ष्या होती थी, तो हुआ ये कि उसके बाद 20 साल का जब सिकंदर हुआ, अच्छा ये सिकंदर पढ़ाई लिखाई में भी तेज था, इसको अच्छी शिक्षा दी गई। इसका गुरु कौन था? अरस्तु। अब अरस्तु जैसे गुरु से तो इसको शिक्षा दिलवाई गई। ये लड़ाइयाँ बहुत, लड़ाइयों में जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है ना, दुश्मन से कैसे लड़ना है, अगर ज़्यादा उसकी बड़ी सेना है तो कैसे, वो रणनीति, वो स्ट्रेटजी बनाने में इसको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। बहुत कैपेबल राजा था ये, मतलब कैपेबल लड़का था 20 साल का, क्योंकि गुरु ही जब अरस्तु होगा तो फिर तो ऐसा ही होगा। 20 साल का जब ये था तो इसको राजगद्दी चाहिए थी। अचानक घर में कोई फंक्शन था राजघराने में, या क्या था, कोई सभा थी, कोई दरबार था, उसमें इसके जो फादर थे, जो राजा थे, उसको किसी ने तीर मार दिया और मार डाला। और जिसने तीर मारा वो भी वहाँ से भागने के चक्कर में बाकी सिपाहियों ने उसको भी मार दिया। तो आज तक ये मालूम नहीं पड़ा कि सिकंदर के जो फादर हैं उनको, उस राजा को मारने वाला कौन था, मतलब कौन था उस आदमी के पीछे, किसने भेजा था मारने के लिए, क्योंकि वो भी उसी समय मर गया, इसलिए ये बात कभी सामने नहीं आ पाई। और क्या मकसद था? अब राजा मर गया तो राजा के बाद कौन राजा बनेगा? उसका बेटा। तो अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में राजा बन गया। कहाँ का राजा बना? मैसेडोनिया, जिसको हिंदी में मकदूमिया, मकदूनिया हिंदी में बोलते हैं, मकदूनिया इंग्लिश में मैसेडोनिया। मैसेडोनिया कहाँ पड़ता है? ग्रीस, यूनान के आसपास, एथेंस के आसपास। मैसेडोनिया एक छोटा सा राज्य था, वहाँ का ये राजा बन गया। अब ये क्योंकि बहुत दिमागदार था, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाता था, गुरु अरस्तु रह चुका था, तो ये राजा बन गया। कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसने और इसकी माँ ने मिल के षड्यंत्र रच के राजा को मरवा दिया ताकि यही राजा बने। कुछ ये कहते हैं कि सिकंदर की माँ का इसमें हाथ था, सिकंदर को नहीं पता था, या कुछ भी, क्योंकि पता तो लगा नहीं, तो सब अपने अपने आइडिया लगाते हैं, कोई श्योर शॉट स्टोरी नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, सिकंदर राजा बन गया। अब इसको ये था कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को और राज्य जीतने हैं, तो ये इसने अपने आसपास के राज्यों को से लड़ना शुरू किया। इसके पास बड़ी पावरफुल सेना थी, छोटी सेना थी, छोटे राज्य का राजा था, पर योद्धा थे, ताकतवर थे, क्योंकि लियोनाइडस को भी अपना आइडियल मानता था। लियोनाइडस कौन था? वो स्पार्टा करके एक राज्य था, उसका राजा था, वो जो 300 मूवी में, जो 300 में जो लीडर होता, राजा होता, जो मर जाता है लास्ट में, वो लियोनाइडस। तो ये योद्धा वाला था, ताकतवर था, इसकी सेना बड़ी, जैसे होता ना ब्लैक कमांडो, उस टाइप की सेना थी इसकी।
तो इसने अपने से बड़े बड़े ज़्यादा ताकतवर राज्यों पे हमला किया और उनको हरा दिया। अब इसके अंदर एक सनक सवार हो गई कि मुझे दुनिया जीतनी है, मतलब दुनिया में जितनी भी सारे देशों को जीतना है। तो ये निकला, इसने पहले अपने आसपास के राज्य जीते, आसपास के राज्य जीतते हुए मकदूमिया से ये चला, फिर इसने मिस्र को जीता, इजिप्ट वगैरह वाला एरिया, फिर ये करते करते ये अरब देशों में शामिल हुआ और ऐसे लड़ते 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 ये धीरे धीरे इसने अलग अलग राज्य देश जीतते 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 कोई और सबसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ ने डर के मारे सरेंडर कर दिया, कुछ ने इसको सपोर्ट कर दिया। ऐसे ही लड़ते 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 सिकंदर जो है वो आ गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में ये आ गया पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है वहाँ तक आ गया, सिंध, सिंध नदी है ना, नदी के उस तरफ इधर के लोगों को सिंधु बोला जाता था ऐसे, वहाँ तक आ गया ये। अब इसमें ये जब आया तो वहाँ पे हमारा जो एक राज्य था, तुम अभी जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, तक्षशिला, तक्षशिला राज्य था। तक्षशिला का जो राजा था वो बड़ा अय्याश था, मतलब बड़ा ऐसे ही ज़्यादा टैलेंटेड राजा नहीं था। तो उसने बोला कि यार कौन सिकंदर से लड़ेगा, उसका भी मैं नाम बोल रहा हूँ, ये भी तुम पता करना, ठीक है, ये तुम्हारी रिसर्च का होमवर्क है। वो राजा जो था, वो राजा ने सिकंदर से लड़ाई नहीं, छोटी मोटी लड़ाई लड़ी और उसने सरेंडर कर दिया। और वो अब सिकंदर और वो राजा मिल के पंजाब के राजा, पंजाब ये अपना वाला पंजाब नहीं, ज़्यादा आधी रहती तब पंजाब बहुत बड़ा था, जो आज आधा पाकिस्तान में है, सिंध नदी वाला, सिंध पंजाब वाले एरिया का एक राजा होता था, राजा पोरस। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राजा पोरस जो था वो पंजाब का राजा था, सिंध प्रांत का राजा था। वहाँ पे जब ये लड़ने आया, अब इसके साथ कौन मिल गया, तक्षशिला का भी राजा, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, बड़ा दिमाग से उतर रहा है मेरा उसका नाम। तो वो राजा का भी इसको सपोर्ट था, तो ये लड़ा उससे, पोरस लड़ा, पोरस के साथ इसकी लड़ाई हुई, खूब लड़ाई होने के बाद में पोरस हार गया, खूब खूब मजबूती से लड़ा पर पोरस हार गया। अब पोरस हार गया, पोरस कौन था, यहाँ का अपने इंडिया का राजा था, मतलब भारतवर्ष कह लो, तो वो हार गया, उसको एक ने सरेंडर कर दिया, पोरस को पकड़ के इसके सामने लेके गए। तो ये क्या करते थे, राजा को पकड़ा मार दिया या राजा ने सरेंडर कर दिया छोड़ दिया। तो सिकंदर ने पूछा, हाँ भाई बता, तू तो बड़ा लड़ने आया था मुझसे, तेरे को मैंने हरा दिया, अब तेरे साथ मैं क्या सलूक करूँ। तो पोरस ने इसको बोला कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही आप मेरे साथ सलूक करो, क्योंकि वो भी बड़ा स्वाभिमानी था, वो भी ऐसे कोई राजा होते ही ज़्यादातर, सभी तो नहीं पर ज़्यादातर होते ना अपना, उसने कहा मैं नाक तो नहीं रगड़ूंगा भाई, तेरे को जो लगता है वो सलूक कर ले, तू भी एक राजा है मैं भी एक राजा हूँ, राजा को जो करना चाहिए राजा के साथ वो कर। सिकंदर बड़ा खुश हुआ, सिकंदर ने कहा एक तो ये लड़ने आ गया मुझसे मेरी ताकत को जानते हुए, उसके बाद लड़ने के बाद में भी इतना डट के खड़ा हुआ है। तो सिकंदर ने उसको माफ़ कर दिया, मतलब कि उसको दोस्त बना लिया। अब उसकी इस बहादुरी से, उसकी इस ताकतवर, उसकी इस बहादुरी से सिकंदर भी बड़ा खुश। उसकी वाइफ, सिकंदर की वाइफ का नाम था रेक्सोना, कुछ लोग बोलते हैं रुक्साना और कुछ लोग बोलते हैं रेक्सोना, ये प्रोनंसिएशन का डिफरेंस हो सकता है, रुक्साना या रेक्सोना, ठीक है, ये तुम गूगल पे चेक करना। तो सिकंदर की वाइफ थी वो भी बड़ा इंप्रेस हुई, क्योंकि सिकंदर भी एक बहादुर और बहादुरों की उस समय कदर होती थी। तो उस सिकंदर ने पोरस को अपनी वाइफ का भाई बनवा दिया, उसकी वाइफ ने उसको राखी बांध दी, मतलब ये भाई बहन बन गए। अब तीन राजा हो गए, कौन, एक तक्षशिला का राजा जिसने सरेंडर कर दिया था, जो अय्याश था, निकम्मा था, दूसरा पोरस, पोरस पहले लड़ा हार गया, उसके बाद में फिर वो उसकी वाइफ का भाई बन गया, तो रिश्तेदारी हो गई, मुँह बोली, और सिकंदर खुद, अब तीन राजा बन गए। अब ये यहाँ तक आ गए, अब ये भारत के अंदर एंटर करने वाला था, तो भारत के अंदर एंटर करना था पर ये उससे पहले ही वापस चले गया। ये क्यों गया, इसके पीछे एक अलग स्टोरी शुरू हो जाएगी, उसमें चाणक्य का भी बहुत बड़ा रोल था, वो हम अगले पार्ट में सुनाऊंगा मैं तुम्हें, तब तक मैं इनके जो दो तीन नाम भी भूल रहा हूँ वो भी मैं पता कर लूँगा, तुम भी पता कर लो। अभी हम अपना फोकस सिर्फ सिकंदर तक रखते हैं, है ना। ये क्यों वापस लौटा, ये इसमें चाणक्य का क्या रोल था, ये मैं अगले उसमें बताऊंगा, चाणक्य का या और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रोल था, ये अगली हम हिस्ट्री में इसका पार्ट टू में करेंगे। अब सिकंदर, अब सवाल ये उठता है कि लोग बोलेंगे तुमसे कि क्या सिकंदर भारत के अंदर आया, बताओ,
कैसे नहीं आया? अगर हम नहीं तो फिर वो पंजाब कैसे लेता? पहली बात, अगर हम अखंड भारत की बात करें, अखंड भारत मतलब जो पाकिस्तान भी नहीं बना था तब, तो पाकिस्तान कहाँ था? भारत का हिस्सा था ना। पाकिस्तान कब बना? 1947 में। उससे पहले वो क्या था? इंडिया। तो अगर हम उस वाले इंडिया की बात करें तो सिकंदर इंडिया में आया था? हाँ आया था, तभी तो पंजाब तक आया। आज के इंडिया की बात करें क्या कि आया था? नहीं आया था, क्योंकि वो पाकिस्तान वाले इंडिया तक ही आया था और चले गया। तो अखंड भारत की जब मतलब जब बांग्लादेश भी नहीं बना था, पाकिस्तान भी नहीं बना था, जब भारत फैला हुआ था, तो उस समय के हिसाब से तो भैया सिकंदर अखंड भारत के अंदर भारतवर्ष में आया था, एंटर कर गया। ये बात ध्यान रखना, ये बड़े कंफ्यूज कर सकती है बात, इसलिए इस बात को ध्यान बिठाना। सिकंदर पार्टीशन से पहले वाला जो अखंड भारत था, उस भारत के अंदर वो आया था। को आज के करंट इंडिया के अंदर सिकंदर नहीं आया था, ठीक? तो समझ में आ गए, सिकंदर कौन से भारत में आया था? अखंड भारत, मतलब बिना डिवाइड हुआ भारत, मतलब जो पाकिस्तान नहीं बना था, इंडिपेंडेंस से पहले। तो सिकंदर तो 2500 साल पहले की बात है, सोचो। तब तो अफगानिस्तान, हिंदू कुछ पहाड़ियां सब हमारे भारत का हिस्सा ही रहती होंगी, तो वो आया था। आज के भारत की बात करें तो वो नहीं आया था, ठीक। अब एक बात और सिकंदर के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए कि सिकंदर भारत आया था नहीं आया था, ये क्लियर हो गया। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। विश्व विजेता का मतलब क्या होता है? जिसने दुनिया, पूरी दुनिया जीत ली। अच्छा, सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है? सिकंदर ने तो सिर्फ 6-7-8 देश जीते थे, तो उसको महान क्यों बोला जाता है? उसको विश्व विजेता क्यों बोला जाता है? नहीं, अब बात ध्यान से सुनो। सिकंदर को विश्व विजेता या सिकंदर को दुनिया जीतने वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय इतने ही देश खोजे गए थे। उस समय दुनिया में जितने देश खोजे जाए गए थे, जितनी जमीन खोजी गई थी, उतनी जमीन उसने जीत ली थी। सिकंदर ने भारत तक के बारे में पता था, तो भारत तक खोजा हुआ था, तो भारत तक वो पहुंच गया। अपने आसपास के तो सारे जीत ही आया था। मकदूमिया से शुरू हुआ, मिस्र होते हुए, अरब देशों से होते हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब यहाँ तक तो आ ही गया था। अब जितना भी उस समय जितने देश खोजे गए थे, जितने देश बने हुए थे, उसने सारे जीत डाले। जो भी 7-8 देश ही जीते। आज कितने देश हैं? 200 से भी ऊपर, 200 के लगभग देश हैं आज की डेट में, है ना। कुछ जो है वो यूएन के में काउंटिंग में आते हैं तो 2-4 बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं आते कम हो जाएंगे, मतलब लगभग 200 देश हैं आज। उसने सिर्फ 6-7 देश ही जीते थे। सिकंदर अमेरिका थोड़ी गया था, सिकंदर यूरोप थोड़ी गया था, सिकंदर यूरोप के शायद पार्ट को उसने टच किया था, मतलब सिकंदर रशिया थोड़ी गया था, ना मंगोलिया गया, ना सिकंदर चाइना गया, फिर कैसे दुनिया जीत ली? क्योंकि जितने देशों की नॉलेज थी उस समय, उसने वो सारे देश जीत लिए थे। और वापस जाते टाइम उसकी रास्ते में ही अफगानिस्तान के पास एक जगह है, एक जगह का नाम है बेबीलोन। बेबीलोन अफगानिस्तान, इराक के आसपास है शायद एक जगह बेबीलोन। बेबीलोन में उसकी मौत हो गई, मर गया वो बीमारी से, मलेरिया की बीमारी से मर गया। और उस समय मलेरिया की जब बीमारी से वो मरा, तो उस समय 2500 साल पहले मलेरिया का इलाज तो होता नहीं था, तो सिकंदर मर गया। अब कमाल की बात तुम्हें ये बताता हूँ, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 BC। सिकंदर मरा कब? 323 BC। 323 BC कितने साल जिंदा रहा? 33 सिर्फ 33 वर्ष की आयु में वो मर गया। 20 साल में राजा बना, 13 साल में लड़ भिड़ करके दुनिया जीत जात के वापस जा रहा था, और रास्ते में मर गया बीमारी से। कुछ लोग कहते हैं उसकी मौत में चाणक्य का रोल था, वो हम जब अगला पार्ट करेंगे तो वो डिस्कस करेंगे कि था नहीं था, मानते हैं ऐसा क्या है। पर सिकंदर की मौत एक कहते, कुछ लोग बोलते हैं वापस लौटते टाइम शत्रुओं ने उस पर हमला किया, कुछ लोग कहते बीमारी से मरा, पर मोटी जो सबसे स्ट्रांग थ्योरी है कि उसको मलेरिया हो गया था और मलेरिया की वजह से वो मर गया। 33 वर्ष क्या है? 20 साल में राजा बना, 13 साल में दुनिया लड़ भिड़ करके, दुनिया जीत जात के वापस अपने घर नहीं पहुंच पाया और वो मर गया। तो 33 वर्ष की छोटी सी आयु में वो मर गया। और बेबीलोन में मरा, मैसेडोनिया में वो का राजा था, 20 साल की उम्र में राजा बना, और इंडिया के अंदर अखंड भारत में तो प्रवेश किया, पर आज के भारत के हिसाब से वो भारत में नहीं आया था, ठीक है। अगली जो हम स्टोरी, इसी का ही अगली स्टोरी करेंगे, उसमें तुम भी, इसके फादर का नाम क्या था, इसकी मदर का नाम क्या था, और इसने कितनी शादियां करी, इसकी जो सबसे मतलब मेन जो रानी का जो जिक्र आता है वो रुक्साना या रेक्सोना जो बोलते हैं वो है,
ठीक है, रुखसाना वो है इसकी वाइफ, और भारतवर्ष में ये नहीं एंटर किया था आज के, पर अखंड भारत में आया था। 33 वर्ष की आयु में ये मर गया, 356 बीसी में पैदा हुआ, 323 बीसी में ये मर गया। और इसने उस समय की जितनी भी नॉलेज में देश थे, ज़मीन थी, वो तकरीबन सभी ज़मीन पे इसका झंडा लहरा दिया गया। मतलब कि कुछ लोगों ने बिना लड़े कह दिया कि हम तुम्हारे अधीन है, कुछ ने लड़ के हार मानी, पर ये हारा नहीं। ये सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी कोई भी हार का जिक्र नहीं है कि कहीं पे वो हारा हो, वो हारा नहीं है, पर फिर भी 33 साल की आयु में वो मर गया। इसलिए उसको कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कोई भी लड़ाई नहीं हारी। पूरी दुनिया में जितने भी देश उस समय खोजे गए थे वो जीत लिए थे, ठीक है, और बहुत छोटी उम्र में, और अपने से बड़ी बड़ी सेनाओं वाले देशों को भी उसने हराया। तो लड़ाई उसने लड़ी या उसके सैनिकों ने लड़ी? वो खुद भी जो उसके सैनिक ही लड़ते थे ना, लीडर को तो लड़ना नहीं, लीडर तो मोटिवेट करता है, किसी एक लड़ाई में चले गए थोड़ा बहुत हौसला बढ़ाया है, क्योंकि जो मेन राजा है उसको तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, जब सैनिक ही लड़ लेते हैं। अगर वो मर जाएगा तो फिर सैनिक को कौन? राजा के मरते ही तो फिर तो खत्म हो गई ना लड़ाई। हिटलर के मरते ही जर्मनी ने हार मान ली, ऐसे ही होता है। तो उसने उस समय के सारे देश खोज लिए थे। होमवर्क के नाम पे तुम हिटलर के बारे में एग्जैक्ट ये पता करोगे, सॉरी हिटलर कह रहे हो, सिकंदर के बारे में, कब पैदा हुआ, कब मरा, मोटा मोटा मैंने बता ही दिया सारा, उसकी वाइफ का नाम, उसके मदर फादर का नाम, और उसने टोटल कितने देश जीते, मतलब किन किन देशों में उसने लड़ाइयाँ लड़ी या बिना लड़े उसने अपना वो फैलाया। कितने देश लड़ा जीते थे उसने वो नहीं पता गया ना, वो पता करना कि हिटलर ने कितने, क्योंकि तुम्हें इसमें अब इस पूरी स्टोरी में ना मेन बात तो ये क्या ध्यान रखने वाली है, ये नहीं कि कब पैदा हुआ कब मरा, मेन बात ये कि वो सुकरात के चेले, प्लेटो के चेले, अरस्तु के चेले का चेला था, ठीक, तो उसका गुरु अरस्तु था जिसने राजनीति शास्त्र लिखा। दूसरा सिकंदर ने जो है 20 वर्ष में गद्दी संभाली और 13 साल के अंदर दुनिया जीत ली। इसमें एक बात और ये ध्यान रखने वाली कि वो जो उसका पोरस के साथ इंसिडेंट था वो बड़ा रोचक है, कि उसने उसको मतलब उसकी रिस्पेक्ट करी बहादुर होने की वजह से। दूसरा 33 वर्ष में वो बीमारी से मर गया, ठीक है, और इसके अलावा क्या थ्योरी है उसके मरने की वो मैं तुम्हें अगले पार्ट में बता दूंगा। मेन थ्योरी ये है कि मलेरिया से मरा, क्योंकि ये बड़ी स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि उस समय इतनी बीमारियों के इलाज नहीं होते थे। आज कोरोना जैसे का तो हम इलाज नहीं ढूंढ पाए इतनी आसानी से, 2500 साल पहले सोचो ना मलेरिया हैजा बहुत बड़ी बात होती थी। तो चीज़ समझ में आ गई सिकंदर के बारे में। अब इसमें ये मेन आंकड़े पता करना, और ज़्यादा कुछ इसमें और ज़्यादा है नहीं। सिकंदर की जो चाणक्य वाला जो रोल होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि चाणक्य का क्या रोल था उस समय। एक तक्षशिला के राजा का नाम पता करके बताना। हाँ, तक्षशिला वो जगह थी ना, पहले वो आया तक्षशिला में लड़ा, तक्षशिला का ही तो चाणक्य था, जो चाणक्य, जो चाणक्य ऋषि या चाणक्य गुरु जो कहते हैं, जो कौटिल्य, वो तक्षशिला के थे। तो तक्षशिला में ही, और चंद्रगुप्त मौर्य भी वहीं से था। तो तक्षशिला के राजा का क्या नाम था, फिर हम अगली बार डिस्कस करेंगे चाणक्य और सिकंदर का क्या रोल बनता है, आपस में क्या इनका रोल था, और कैसे सिकंदर के भारत से लौटने में, वापस लौटने में, भारत के और अंदर नहीं घुसने में, चाणक्य ने कैसे भारत को सेव किया सिकंदर के आक्रमण से, कि कैसे, नहीं तो सिकंदर अंदर आ जाता, फिर अंदर आ जाता और सारे जीत लेता, क्योंकि और तो पर इतने बड़े बड़े देश हरा दिए, तो हमारा तो देश उस समय कैसा था। तो आज हम यूनानी या वो वाली सभ्यता के होते हैं। अगर वो अलेक्जेंडर हमारे देश में राजा बन जाता तो हमारा देश फिर भी बाकी देश जैसे होता ही। अब ये कहने की बात है कि अगर सिकंदर राजा होता तो आज जो एथेंस की और मैसेडोनिया की या उस यूरोपियन पार्ट की, वहाँ के उस तरफ की जो ग्रोथ है, शायद हमारी भी हो सकती थी। नहीं, वो अब 2500 साल पुरानी बात है ना, उसके बाद तो फिर सारे देश अलग अलग हो गए, कितने देश बन गए, फिर अब बाउंड्रियाँ बन गई है ना। हमने बांग्लादेश नया देश बना था अभी कुछ दशक पहले, हांगकांग को आज़ादी मिली, ऐसे करके देश बनते रहते हैं। अब नहीं बनने, अब थोड़ा मुश्किल हो गए बनने, क्योंकि अब चीज़ें सिस्टमेटिकली हो चुकी है, पर पहले ऐसा होता था। ऐसा नहीं कि सिकंदर ने जितने देश जीते तो वो एक देश थोड़ी है, उसमें भी तो अब अलग अलग देश है ना, इराक अलग है, ईरान अलग है, पाकिस्तान अलग है। पर बेटा सिकंदर को तो मरे हुए 2500 साल हो गए ना पूरा,
उसके बाद फिर उसके बाद और जो राजा आए, फिर उनको दूसरे राजाओं ने हरा दिया, सिकंदर की जमीन चली गई, फिर सिकंदर ने जो जगह जीत जो देश जीते थे उस देश में कोई और राजा आ गया, उसने सिकंदर की सेना को हरा दिया, वो तो फिर बाद में चलता रहा ना। ये नहीं, अलेक्जेंडर स्टूडेंट तो अरस्तु के बहुत सारे रहे होंगे ना, पर जिसने कुछ किया उसी का तो नाम याद रहेगा ना। अरस्तु को एक बच्चे को थोड़ी पढ़ाता था। प्लेटो तो पूरी जो सबसे बड़ी एकेडमी थी, पहली एकेडमी थी दुनिया की, वो वहीं बनी थी एथेंस में दुनिया की पहली एकेडमी एथेंस में शुरू हुई। उस एकेडमी को कौन चलाता था? प्लेटो। उस एकेडमी का सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन था? अरस्तु। क्योंकि वहाँ तो और भी अमीरों के और मंत्रियों के बच्चे पढ़ते थे, तो ऐसा थोड़ी कि एक ही को पढ़ाया गया। तो एकेडमी वर्ड जो आया है, एकेडमी सिस्टम जो आया, वो वहीं से आया है। ठीक है।